तो अच्छी लग रही है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अपने घर पर सब स्वस्थ होंगे। गाइस, आज हम जा रहे हैं अभी बाहर। हस्बैंड की बहुत दिन से फरमाइश हो रही थी कि बाहर चलना है, तो गाइस किस चीज़ के लिए चलना है वो आपको पता चल जाएगा बाद में, ब्लॉग में एंड तक देखोगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। और हमारे यहाँ किस चीज़ की तैयारियाँ चल रही हैं जो हमें बार बार मार्केट जाना पड़ रहा है वो भी आपको पता चल जाएगा। तो अभी बच्चे तैयार हो गए हैं, मैं भी तैयार हो गई हूँ, बस लगभग तैयार सी हो गई हूँ। तो गाइज अभी हम चलते हैं और आप भी चलिए हमारे साथ और ब्लॉग लास्ट देखना, तभी आपको समझ में आएगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। गए जब अभी हम पहुंच गए थे मार्केट में, और मार्केट में जिस शॉप पर हमें काम था तो अभी हम पहुंच गए वहां पर भी। तो यहां से हमें साड़ियाँ सूट लेने थे, और लेने से मेरा मतलब है मतलब कि आज उठाने थे, ले हमने पहले ही लिए थे। आज क्या था जो कि हमारी साड़ियाँ थी वो तैयार हो रही थी, तो बस यहां से लेने थे, और कुछ ड्रेसेस वगैरह थी तो सभी कुछ हमें यहाँ से लेना था। तो वो ले तो हमने पहले लिया था बट क्या था तैयार होने के लिए छोड़ दी थी। और अभी मेरे पास टाइम है जिससे कि मैं ब्लॉग बना रही थी, क्योंकि वो जो हमने सेलेक्ट किया था और तैयार भी हो गया था तो उसकी पैकिंग हो रही थी यहाँ पर, तो उसी के लिए हम यहाँ पर वेट कर रहे थे। तो मुझे लगा कि चलो मैं ब्लॉग सूट कर लेती हूँ। और जिस दिन हम सेलेक्ट करने के लिए आए थे उस दिन मेरा बिल्कुल भी ब्लॉग सूट नहीं हुआ, क्योंकि या तो सेलेक्ट ही कर लो या फिर ब्लॉग सूट कर लो, ये सब चीज़ होता है। और गाइज हमारे यहाँ किस चीज़ की तैयारी चल रही है वो आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा, और कुछ लोगों को शायद पता भी हो और कुछ रिलेटिव्स हैं जिन्हें तो पता ही है। तो गाइज हमारे यहाँ किस चीज़ की तैयारी चल रही है वो आप तो बस धीरे धीरे कुछ लोग समझ भी गए होंगे कि शॉपिंग से ही समझ जाएंगे कुछ लोग तो कि इनके यहाँ किस चीज़ की तैयारी चल रही है। तो गाइज बस अब यहाँ हमारी बस पैकिंग हो रही है, उसके बाद हम निकलते हैं। उसके बाद हमें मार्केट में और भी काम थे तो आज बस थोड़े थोड़े ही काम निपटाएंगे। तो ऊपर नीचे जाता है ऐसा लगता ही नहीं नीचे। गाइज ये व्लॉग है मेरा होली से एक दिन पहले का, क्योंकि होली से एक दिन पहले ही हम मार्केट गए थे। उसके बाद में थोड़ा गुंजियों वगैरह का काम था तो वो सब हुआ, और उसके बाद होली का व्लॉग आया, और फिर मैं मैके भी चली गई थी। तो गाइज ये व्लॉग मेरा थोड़ा लेट हो गया तो उसके लिए सॉरी। और अभी हम जा रहे थे कलर वगैरह लेने थे हमें मेन मार्केट। गाइज अभी हमारा मार्केट का काम बचा था बट क्या था हमने थोड़ा टाइम बचा लिया था किस चीज़ के लिए, क्योंकि पति देव की कई दिन से फरमाइश हो रही थी मूवी देखने की, द कश्मीर फाइल्स। तो गाइज उसी के लिए हम आ गए थे यहाँ पर वेब मॉल, और यहाँ पर हमें मूवी देखनी थी। तो गाइज हमारा टिकट तो हमने लिए नहीं थे बट क्या था अभी 4 बजे थे तो हमें लगा क्या पता टिकट मिल ही जाए, तो हम आ गए थे यहाँ पर। और पहले से हमने टिकट इसलिए नहीं लिए थे क्योंकि हमें मार्केट में ज़्यादा टाइम भी लग सकता था, लेकिन क्या था हमने टाइम बचा लिया था अपना। तो अभी 4 बज गए थे तो हम जा रहे थे अंदर टिकट काउंटर की तरफ। तो गए थे यहाँ पर आने के बाद हमारे साथ हो गया एक पोपट। तो गए अभी आपको समझ आ जाएगा कि वो पोपट हो गया, मेरी बताई हुई कहानी आपको थोड़ी अटपटी लंबी तो लगेगी बट क्या है जब टिकट काउंटर पर पहुँचे तो हस्बैंड ने टिकट जो देते हैं उनसे पूछा क्या बच्चों की एंट्री है। ऐसा होता है ना कुछ मूवी में बच्चों की एंट्री नहीं होती, तो उन्होंने मना कर दिया कि बच्चों की एंट्री नहीं है। तो गए हमने तो फिर तो हमारा प्लान जो था वो तो फ्लॉप हो गया ना। तो उसके बाद हम जहाँ एंट्री होती है वहाँ पर पहुँचे तो वहाँ भी मना कर दिया।
अभी हमारी चल रही है आइसक्रीम पार्टी, क्योंकि मूवी जो थी वो बच्चों को अलाउ नहीं है और हमें देखनी थी वो वाली मूवी, तो इसलिए अभी हमारी चल रही है आइसक्रीम पार्टी। गाइज यहाँ पर हमारी चल रही थी आइसक्रीम पार्टी, क्योंकि हमारा जो प्लान था वो तो फेल हो गया था। तो उसके बाद में हमने सोचा चलो आइसक्रीम खाते हैं और चलते हैं फिर अपने घर की तरफ। हस्बैंड से मैंने बोला था कि आप देख लो, हम हैं बच्चों के साथ, मैं और दीपी दी हम दोनों थे बच्चों के साथ, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि नहीं मुझे तो तुम्हारे साथ मतलब सबके साथ ही देखनी थी। तो गाइज यहाँ क्या हुआ, क्योंकि टिकट काउंटर पर भी मना कर दिया था और जहाँ पर एंट्री होती वहाँ पर भी मना कर दिया था, पर फिर भी हमारा मन नहीं मान रहा था। तो हस्बैंड ने सोचा कि चलो क्यों ना टिकट लाए जाए, तो वो टिकट ले आए और यहाँ पर हमारी एंट्री भी हो गई। बिल्कुल भी किसी ने मना नहीं किया, लेकिन हमारी गलती क्या थी कि हमने पूछा था और उसके बाद में अब हम टिकट लेकर अंदर गए, पहुँच गए हैं। तो गाइज हम आराम से मूवी देखी हमने और बच्चों ने भी देखी, और बहुत अच्छी मूवी है। मतलब एक तरह से कश्मीरी पंडितों का जो दर्द है वो इसमें बिल्कुल साफ दिख रहा है। वैसे तो हम मतलब हम लोगों को पता नहीं कैसे कैसे हुआ था, लेकिन कहते हैं कि उसका ये कुछ ही पार्ट है। तो गाइज अभी यहाँ पर इंटरवेल हो गया है, तो और अच्छी मूवी है, बच्चों को भी अच्छी लगी। तो अच्छी लग रही है पर अभी इंटरवल हो गया है। अभी इंटरवल चल रहा है फ्रेंड्स। ये कोई टेंपरेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि। सारे सरकारी जो और जानते हो इन टेररिस्टों की रखेल कौन है, ये मीडिया। गाइज अभी मूवी का एंड हो गया है और अब बस हम यहाँ से निकलते हैं और रात भी हो गई है, और उसके बाद मिलती हूँ मैं आपसे घर पहुँचने के बाद। तो गाइज अभी हम पहुँच गए हैं घर, और घर आने के बाद मम्मी जी बना रही थी गुंजिया, क्योंकि ये ब्लॉग मेरा होली से पहले का है और मैंने ये बात आपसे एक बार पहले भी बोल दी है। और मम्मी जी गुंजिया बना रही थी, तो बस वहाँ से आने के बाद हमने भी गुंजिया बनवाई और यहाँ पर मैं तल रही हूँ गुंजिया, और बहुत अच्छी गुंजिया बनी थी और बच्चों को भी इतनी पसंद आई। और अब की बार बता रही हूँ, मैंने पहले भी एक ब्लॉग में बताया था कि अब की बार हमारी गुंजियाँ किस्तों में बन रही हैं, मतलब कि दो तीन बार, तीन बार बन चुकी हैं। पहली बार की बनी तो बस एक दो दिन में ही फिनिश कर दी, फिर दोबारा बनाई, दोबारा क्या था थोड़ी सी बनाई क्योंकि हमें मार्केट का काम था, और अभी बन रही हैं तिवारा क्योंकि मुझे होली को भी जाना था। तो मम्मी जी ने बोला कि अब कल तुम होली को जाओगी तो फिर आज ही बना लेते हैं। तो बस गाइज अभी कर देते हैं ब्लॉग का एंड। आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट्स करके जरूर बताना, और अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, और न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना।